उठेगा भी नहीं हम। तो जी मैं आ गई हूँ बस स्टॉप पे और अभी करूँगी बस का वेट। आँखें बिल्कुल नहीं खुल रही क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ रहे हैं बाइक से। है तो पास में ही बट धूप हो जाती है और थोड़ा सा लेट भी हो जाता है तो उसके चलते फिर। तो जी मैं आ गई हूँ अपने जॉब से और अभी मैं खड़ी हूँ हस्बैंड का वेट कर रही हूँ बस स्टॉप पे। और आज विशाल आने वाला है, आपने देखा होगा मन मंथ पहले वो गया था दिल्ली एग्ज़ाम के टाइम और अभी उसकी छुट्टियाँ लगी हैं, एग्ज़ाम फिनिश हो गए तो वो अभी आ गया है वापस से पुणे और साथ में उसके पापा भी आ रहे हैं और हम उसे अभी लेने के लिए जा रहे हैं। देख आपको दिखाती हूँ फिर मैं। और काफ़ी टाइम से एक्चुअली मैं वेट कर रही हूँ मेरे हस्बैंड का और उनका भी मीटिंग स्टार्ट था और आना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था तो अभी मैं थक चुकी हूँ। एक्चुअली बैठने की जगह भी नहीं है, मैंने एक गन्ने का जूस लिया था ताकि मुझे बैठने की जगह मिल जाए बट जैसे ही वो जूस फिनिश हुआ तो भीड़ आ गई। तो एक भाई मुझे बोलते हैं कि ताई उठना पड़ेगा, मराठी में लोग इधर ताई बोलते हैं बहन को, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया तो मुझे उठना पड़ा और तब से मैं कंटिन्यूसली इधर खड़ी हूँ बस स्टॉप पे। और मेरे हस्बैंड अभी आ रहे हैं, आ जाएंगे 5-10 मिनट में, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी अभी मुझे विशाल का कॉल आया है और विशाल मुझे बोल रहे थे स्टेशन पर वो लोग पहुँच चुके हैं। तो जी फाइनली पतिदेव दिख रहे हैं, अभी गाड़ी आ चुकी है। यार झूठ बोले तो कोई ऐसे बोले, आधे घंटे बाद निकल रहा है। अच्छा गाड़ी साफ करने में टाइम लग गया और मेरी इधर पैर की वोट लग गई पूरी पूरी तरह। और बंदा मस्त में एंजॉय करते हुए आ रहा है, अच्छा एसी में और गाने में, इधर 1-1.5 घंटे से खड़ी हूँ। ऐसा झूठ बोलते हैं क्या? बोलो बिल्डिंग के नीचे हूँ, बिल्डिंग के नीचे हूँ। तो जी मुझे छोटे छोटे बच्चे मिले और उन्होंने मेरा चैनल का पता चला और उन्होंने सर्च किया सेम टाइम बस में और बड़े ही खुश हो गए और मुझे इतना प्यार दिया, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और मेरे वीडियोस को उन्होंने देखा, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट्स किए और सब्सक्राइब भी कर दिया तुरंत और बहुत ही प्यारे बच्चे थे। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। भीड़ थी ना, ये देखो जी आ गए हैं। किलो भी लिया है मेरे लिए। अरे वाह कुछ तो आया दिल्ली से। हो जाएगा या आगे आओगे क्या? नू कैसे? हाँ ऐसे शीतकालीन सही है ना। हाँ तो भाई आ गया विशाल अभी फिर से पुणे। मन नहीं लग रहा था क्या? है मन नहीं लग रहा था। और एग्जाम कैसे हुए? वैसे हो गए। और भाई मिलिए मेरे जीजा सासे पीछे, कैसा रहा सफर? नहीं चलो ठीक है। क्या बोल रहा था? बाल लग रहे लंबे थोड़े हुए। हाँ लग रहे हैं। वन मंथ में काफी हो गई। और गर्मी कैसी है उधर? इधर ज्यादा है। उधर ज्यादा है? इधर इधर ज्यादा है पुणे में। कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स और पॉट रखी है, अभी गर्मी का सीजन आ गया ना। साथ करा लेती हूँ ठीक है ना, गर्म है ज्यादा। हाँ ले लिए नारियल और अभी सब लोग, अभी तो गर्म था तो पिया नहीं, एक ही खुलवाया, घर जाके ठंडे हो जाएंगे नॉर्मल तब पियेंगे। कैसे रिएक्ट करेगा विशाल को देख के।
हो गए। अच्छा तो मम्मा और बाबा के साथ मिल के हैं, अब बाबा के साथ हैं। नींद में है, अरे देखता था सही, अरे चाट रहा है, दिखा 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 फेस फेस दे, पहचान लिया, देख कितना प्यार कर रहा है। बड़ा हो गया तो अभी आया हो उसमें, नींद में था ना। हाँ ये देखो पूरा फेस चाट लिया है। इसको देखो खेल मिल जाता है ना, अब इसको लेके घूमेगा है यश। हाँ भाई, यश घूम रहा है, रख दो टूट जाएगा बेटा, सिम्बा इसको बाइट भी कर लेगा नीचे से, नहीं तो एक जगह पे रख दो साइड। बेटा पानी वानी कोई चीज होती होगी, किसी चीज का नाम होगा, पानी ला दो, पानी ला दो, थोड़ा ठंडा हो तो ठंडा दे दो। यश आपके लिए भी वही चीज़ है, पानी वानी पूछ लो। हाँ खेलने में लग जाते हो, अब तो बड़े हो गए थोड़े से तो, है ना। ये गंडू है ना, ये कुछ काम नहीं करता है ना, ये दोनों ही नहीं करते।